Hello students, welcome to all of you in the problem solving lecture of the chapter function. पिछले क्लासेज में हम लोगों ने functions के definition, special type of functions discuss किए थे, उनके graphs discuss किए थे, domain और range का definition भी discuss किया था. तो आज के क्लास में हम लोग discuss करने वाले हैं, पहले तो कुछ problems discuss कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग डोमेन फाइंड आउट कैसे करते हैं, फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं, उसको कंटिन्यू करते हुए आगे जो है वो इस चैप्टर को प्रोसीड करेंगे. तो पहले देखते हैं कि ये एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है. क्वेश्चन क्या है, लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, एक्स ग्रेटर देन 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज बिटवीन 1, 2, 3 वेयर 3 इज इंक्लूडेड हियर, f of x is equal to 3x when x is less than equal to 1. The domain of this function is given in this place. So the domain is real number, codomain is real number, and the function is given in the different values of x. This is called intervals. In different intervals, the function having different definitions. So this type of function is defined in different interval, f of x having the different you can say that function. Okay, so we have to find then f of minus 1 plus f of 2 plus f of 4 is, and there are option given. So how will you find the sum of this? So first you have to find f of minus 1. So you have to put x equal to minus 1. In that case f of x ki value nikalni hai mujhe, hai na, f of minus 1 nikalna hai hame. To kaise find out karte hain? यदि आप ध्यान से देखोगे तो माइनस वन जो है वो कहां पे होगा? क्या माइनस वन 3 से बड़ा नंबर है? तो नहीं है. क्या माइनस वन 1 से 3 के बीच में आता है? तो नहीं है. क्या माइनस वन 1 से कम है? लाइक माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू 1. सो यस, माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू 1. तो एफ ऑफ माइनस 1 कैसे निकालेंगे हम लोग? इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है ना. तो एफ ऑफ माइनस 1 कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए. एफ ऑफ माइनस 1 होगा 3 इंटू माइनस 1. किस वाले में पुट किया है? x लेस देन इक्वल टू 1 वाली कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो रही है. f ऑफ माइनस 1 में जो माइनस 1 है वो क्या है? लेस देन इक्वल टू 1 होता है. इसलिए f ऑफ माइनस 1 3 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 3 होगा, ठीक. अब अगला हमें देखते हैं, f ऑफ 2 निकालेंगे. तो f ऑफ 2 कैसे निकलेगा देखते हैं. तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 जो नंबर है वो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो नहीं कर रहा है. 2 इज ग्रेटर देन 3 इज नॉट करेक्ट. क्या 2 1 से 3 के बीच का नंबर है? क्या 2 1 से 3 के बीच में आता है? तो यस, f ऑफ 2 इसका मतलब 2 स्क्वायर होगा, ठीक है. तो f ऑफ 2 जो होगा वो इस वाले फॉर्मूले में हमें पुट करना है, बिकॉज x जब 1 से 3 के बीच का नंबर होगा तो f ऑफ x x स्क्वायर है. तो 2 क्या है? 1 से 3 के बीच का ही नंबर है. तो इसलिए हम f ऑफ 2 कैसे निकालेंगे? 2 स्क्वायर एंड दैट इज 4. F of 4 कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए. तो यहाँ जो नंबर है 4 वो क्या है हमारा? F of 4 निकालना है. तो पहले मैं देखूंगा कि इसमें x की क्या वैल्यू पुट हुई है. तो 4 एंड 4 इज ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. तो F of 4 कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले में x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो F of 4 निकलेगा. तो F of 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, ओके, एंड दैट इज 8. नाउ यू हैव टू फाइंड दिस, ये निकालना है मुझे, यही पूछा गया है. तो एफ ऑफ माइनस 1 कितना आया था? माइनस 3. एफ ऑफ 2 कितना निकाला है हमने? दैट इज 4. एंड एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 8. तो एफ ऑफ 4 की जगह ये पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 3 प्लस 12 एंड दैट इज इक्वल टू 9. सो माइनस 3 प्लस 12 इज 9 एंड द आंसर इज 9 एंड दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है. आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी हमें वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू निकालना है मुझे जिस एक्स की वैल्यू के लिए, वो एक्स किस में लाई कर रहा है. जैसे इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन यदि मान लीजिए मुझे एफ ऑफ 3 निकालना है तो कैसे निकलेगा? देखिए एफ ऑफ 3 कितना होगा इसमें, तो मैं देखूंगा कि 3 एक्स 3 के बराबर होगा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी. तो यहां तो x ग्रेटर देन 3 लगा हुआ है, लेकिन यहां देखिए यहां लिखा हुआ है x लेस देन और इक्वल टू 3. तो मतलब x यदि 3 के बराबर होगा तो fx की वैल्यू x स्क्वायर है. तो f ऑफ 3
किसमें कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9। जैसे मान लीजिए मुझे f ऑफ 1 निकालना है, ठीक है, तो f ऑफ 1 तो कहां पे हम पुट करेंगे, f ऑफ 1 कैसे निकलेगा, यहां लिखा हुआ x लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब x यदि 1 या 1 से कम होगा तो f ऑफ x 3x के बराबर है, तो f ऑफ 1 हो जाएगा 3 इंटू 1, इस वाले फंक्शन में आपको पुट करना है, सो 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3। और इसी तरीके से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे f ऑफ 1/2 फाइंड आउट करना है, तो ये कितना होगा, 1/2 क्या है, तो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसलिए मैं 3 इंटू 1/2 से निकाल सकता हूं, दैट इज 3/2। मुझे मान लीजिए f ऑफ 3/2 निकालना हो, तो 3/2 कहां पे लाई करता है, 3/2 होता है 1.5, मतलब 1 से 3 के बीच का नंबर है ना 3/2, तो इसलिए इस वाले में इस बार पुट होगा, तो ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, है ना, दैट इज 9/4। इस तरीके से फंक्शंस में हम जो अलग अलग इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड है, तो जिस इंटरवल के अंदर का एक्स का वैल्यू उस पे हमें एफ एक्स निकालना होगा, उसी वाले फंक्शन के अंदर हमें एक्स पुट करना है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, देखिए एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7 एंड g ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 5, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। एफ वी जो है वो एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है, जी बी 1 डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन, दैट इज लीनियर फंक्शन है। यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों फंक्शन का ही जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं उनका डोमेन क्या होता है, उसमें क्या क्या वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, दैट इज ऑल द रियल नंबर, तो ये भी ऑल द रियल नंबर इसमें इनपुट हो सकता है, इसमें भी ऑल द रियल नंबर इनपुट हो सकता है। तो वो क्वेश्चन में हमें नहीं भी दिया हुआ है कि f इज फ्रॉम r टू r, तब भी हमें ये समझना चाहिए, जब नहीं दे करके रखेगा तो इसका मतलब उसका जो डोमेन पॉसिबल है वही होता है, और जैसा कि हमें पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन ऑल द रियल नंबर होता है, तो इसलिए इसका डोमेन ऑल द रियल नंबर होगा, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एफ ऑफ 3 प्लस जी ऑफ माइनस 5 निकालना है, तो एफ ऑफ 3 निकालना आपको आना चाहिए, कैसे निकालते हैं देखिए, एफ ऑफ 3 कैसे निकालते हैं, एफ एक्स कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो पहले तो मैं लिख लेता हूं एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो एफ ऑफ 3 कितना होगा, 3 स्क्वायर प्लस 7 होगा, बहुत सिंपल है, एक्स की प्लेस जगह पे हम 3 पुट कर रहे हैं, तो दोनों ही तरफ 3 पुट कर देना है, सिंपल, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 7 एंड दैट इज 16। सिमिलरली जी ऑफ माइनस 5, तो जी ऑफ एक्स कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 3x प्लस 5, सो जी ऑफ माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 5 प्लस 5 एंड दैट इज माइनस 15 प्लस 5 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10। तो ए नंबर जो प्रॉब्लम है उसमें हमें क्या निकालना था, एफ ऑफ 3 प्लस जी ऑफ माइनस 5, तो ये हो जाएगा 16 प्लस माइनस ऑफ 10 एंड दैट इज 16 माइनस 10 होता है 6, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से बाकी भी जो प्रॉब्लम बी सी डी और ई है वो आप नोट कर लीजिए यहां से और उसको जो है वो खुद से सॉल्व करिए, ठीक। तो यहाँ पे सिंपल है, f ऑफ 1/2 कैसे निकलेगा, x की जगह 1/2 पुट करना है, तो f ऑफ 1/2 हो जाएगा 1/2 स्क्वायर प्लस 7, और g ऑफ 14 कितना होगा, g ऑफ 14 हो जाएगा 3 इंटू 14 प्लस 5, और वो हम सॉल्व करते हुए इसमें पुट करके निकाल लेंगे वैल्यू, तो वी विल सॉल्व दिस ऑल प्रॉब्लम। हाँ, यहाँ पे f ऑफ t जैसे है, तो f ऑफ x यदि x स्क्वायर प्लस 7 है, f ऑफ x कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो यदि x की जगह कोई दूसरा वेरिएबल का वैल्यू जैसे यहाँ पे t पुट करा है, तो f ऑफ t कैसे निकालोगे देख लो, वो हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 7। तो इसमें आपको सिंपल जो भी x की जगह कोई भी दूसरा यदि नंबर को डिनोट करने के लिए हमने x की जगह t यूज किया है, तो t में फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, f ऑफ x यदि x स्क्वायर प्लस 7 है, तो f ऑफ t कितना हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या फंक्शन के अंदर हमें सीखना है। पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया था, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा और डिस्कशन जरूरी था, पिछले क्लास में टाइम के चलते वहीं पे खत्म किया था, कि वहां पे हमने पढ़ा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज एन इंटीजर विच इज आइदर इक्वल टू दैट एक्स और जस्ट स्मॉलर इंटीजर टू एक्स, है ना। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज एन इंटीजर विच इज
either equal to x or just a smaller integer to x. That means greatest integer of x is always less than equal to x. इसलिए जो क्लास के नोट्स हैं यदि आपने किए हैं तो उसको जो है वो एक बार देख लीजिएगा कि क्या डेफिनेशन लिखवाया था, और इसका जो ग्राफ है डोमेन और रेंज वो मैंने बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डोमेन होता है वो है ऑल द रियल नंबर, मतलब डोमेन का मतलब होता है जो एक्स की वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, और रेंज जहां तक बात है इस फंक्शन की वो है इंटीजर्स. इंटीजर्स का मतलब होता है माइनस वन, जीरो, वन, टू, माइनस टू, थ्री, माइनस थ्री, ये सब जितने भी नंबर्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स जो भी हैं इंक्लूडिंग जीरो, वो सारे इंटीजर्स कहलाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पिछले क्लास में इतना तक तो पढ़ ही लिया था. और ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना भी बताया था, जैसे मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.54 होगा, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.5 तो कितना होगा, 4 के बराबर होगा, क्योंकि 4.5 से जस्ट स्मॉलर इंटीजर कौन सा है, 4 है. तो ये सब हमने डिस्कस किया था, ग्राफ भी वहां पे प्लॉट किया था, बट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो वहां पे हम डिस्कस नहीं कर पाए थे. तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो उसमें से सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एम इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एम, वेयर एम इज एनी इंटीजर. ओके, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एम इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एम. एम बाहर चला जाएगा यदि एम इंटीजर होगा तो. ठीक है, और ये बहुत सिंपल सी बात है. एज फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पे ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 प्लस 3 है ना, क्लियर. तो यहां पे मैं एम की जगह पे 3 है, जैसे 3 क्या है, एक इंटीजर नंबर है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से समझ सकता हूं, दैट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 प्लस 3, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए आप निकालोगे तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 एंड 3 5, और वैसे भी यदि हम इसको सिंपल भी ऐड करके निकालें तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 प्लस 3 इज दैट नथिंग बट 5.5 एंड दैट इज इक्वल टू 5. इधर से भी कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है, और इसको इस तरीके से लिख दें तो भी 5 ही आने वाला है. जैसे एक और समझ लीजिए, क्योंकि m क्या कहा है मैंने कि एक इंटीजर होगा, तो क्या यहां पे भी मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 माइनस 3 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 प्लस माइनस ऑफ 3. मतलब यहां पे आप इसको समझिए, एम यहां पे कितना है, माइनस ऑफ 3 है, क्योंकि प्लस माइनस 3 लिख सकते हैं इसको, तो वो इधर बाहर चला जाना चाहिए. ठीक, तो दैट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 तो 2 हो गया, प्लस माइनस ऑफ 3, एंड 2 माइनस 3 कितना होता है, माइनस 1 होता है. क्या यही चीज इधर भी होगा, तो आप देखिए यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से भी सॉल्व करूं तो ये कितना होगा, 2.5 माइनस 3, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0.5, और माइनस 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो माइनस 1 ही होता है. तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एम, जहां पे एम यदि कोई इंटीजर नंबर है तो उसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर लिख सकते हैं. ठीक, तो दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी, ये मैं हटा देता हूं, जो सेकेंड प्रॉपर्टी है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आइदर इट इज जीरो और इट इज माइनस ऑफ वन, डिपेंडिंग ऑन एक्स यदि इंटीजर होगा तब तो जीरो आएगा, और एक्स यदि इंटीजर नहीं होगा, मतलब एक्स यदि नॉन इंटीजर होगा, तो इसका सम माइनस वन के बराबर होगा. तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, और इस बात को हम समझते हैं कि कैसे ऐसा बोल रहा हूं मैं. देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 2, एक्स यदि मैं 2 पुट कर रहा हूं यहां पे, मतलब एक्स क्या है, इंटीजर है, x इक्वल टू 2 कुछ देर के लिए लेट कर लेते हैं, ठीक है ना, जो कि 2 क्या है यहां पे, इंटीजर है.
तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो देखिए ध्यान से, यदि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 पूछूं तो 2 होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 2 पूछूं तो माइनस 2 होगा, और ये 0 हो जाता है। तो x यदि इंटीजर है, x यदि 2 जो कि इंटीजर होता है वो यदि है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x 0 के बराबर होता है। मान लीजिए कि x जो है वो इंटीजर नहीं है, मतलब 2.3 है, ठीक है ना, 2.3 इज नॉट ए इंटीजर, नॉन इंटीजर है, 2.3 इंटीजर नहीं है। अब मैं इसके अंदर पुट करता हूं तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 2.3, और अब देखते हैं कितना आता है। तो अब यदि मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 क्या होगा, 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2.3 से जस्ट स्मॉलर इंटीजर 2 है। वहीं पे यदि मैं पूछूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 2.3 कितना होगा, तो आपको सोचिए थोड़ा, माइनस 2.3 से जस्ट स्मॉलर इंटीजर कौन सा है, माइनस 3 है। पिछले क्लास में भी नंबर लाइन लेकर के आपको बताया था कि माइनस 2.3 से जस्ट छोटा, उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर माइनस 3 होता है। तो माइनस 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 3 होगा, और ये 2 माइनस 3 कितना होता है, माइनस 1 होता है। मतलब यदि कोई नंबर इंटीजर नहीं होगा तब ये इसकी वैल्यू माइनस 1 होगी, और यदि इंटीजर होगा एक्स तब ये 0 के बराबर होता है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है, इसको हम याद रख सकते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ऑलवेज लाई बिटवीन दिस, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लाइज बिटवीन x माइनस 1 टू x, वेयर x इज इंक्लूडेड बट x माइनस 1 इज नॉट इंक्लूडेड। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू हमेशा x माइनस 1 से लेके x के बीच में ही रहती है। तो इस बात को समझने के लिए जो है वो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। ऐसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 इसकी वैल्यू 1.3 है ना, दैट इज 2.3 माइनस 1 से लेके 2.3 के बीच में रहने वाली है, करेक्ट है। इसकी वैल्यू होती कितनी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 की वैल्यू यदि मैं पूछूं कितनी होगी तो 2 होगी ना, और 2 जो है वो 1.3 और 2.3 के बीच का ही नंबर है, तो करेक्ट बात है। यदि मान लीजिए मैं 2.99 ले लेता हूं, है ना, और मैं बोलता हूं कि इसकी जो वैल्यू होगी, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होगी वो 1.99 से लेके 2.99 के बीच में होगी, तो सही है कि नहीं है? तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.99 कितना होगा, 2 होगा। तो क्या 2 जो है वो 1.99 और 2.99 के बीच का नंबर है, तो करेक्ट है, सही बात है। यदि मैं कोई एक इंटीजर ले लूं, मान लो कि 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मैं कहता हूं कि ये जो है वो 3, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 लाइज बिटवीन 3 एंड 2, 2 और 3 के बीच में होगा। तो इस केस में देखिए, समझिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 2 से 3 के बीच का नंबर है, 3 इंक्लूडेड है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 तो 3 होता है। तो 3 जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 3 लाइज बिटवीन 2 एंड 3। तो कहने का मतलब है कि अभी जैसे हम लोगों ने ये तो पढ़ा ही था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x, क्लियर। लेकिन 1 x - 1 से क्या होता है, बड़ा भी होता है, उससे ज्यादा कम नहीं हो सकता। क्योंकि यदि मैं बताऊं कि 2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, तो 2 ही होगा, उससे कम तो हो ही नहीं सकता ना, समझ रहे हैं बात। तो x माइनस 1 से x के बीच में होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू। उसके अलावा भी कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, ये मैं हटा देता हूं, ये तो प्रॉपर्टी हो गई जो कि लिख सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है, ये प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन ये मैथमेटिकली जो है वो आपको पता होना चाहिए कि यदि मैं कहता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है ना, इफ इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स निकालिए, है ना। यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 0 है तो एक्स की वैल्यूज निकालें। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक तरीके से आप इसको प्रॉब्लम लिख लीजिए, है ना। प्रॉपर्टीज इतनी ही, 3 प्रॉपर्टीज जो है वो इसमें आपको समझ गए होंगे तो आपको काम में आने वाला है। जैसे मैं लिखता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 0 है, तो इसका क्या मतलब होगा कि एक्स कहां होगा? तो इसका मतलब है कि एक्स जो है वो 0 से लेके 1 के बीच का नंबर है, और यही इसका आंसर भी है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स यदि 0 है
तो इसका मतलब x जीरो या तो जीरो के बराबर या तो जीरो से वन के बीच में कोई नंबर होगा। क्योंकि देखिए जैसे मैं बोलूं कि 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो होता है, 0.5 होगा तो भी जीरो होगा, 0.999 होगा तब भी जीरो होगा। तो मतलब जीरो से वन के बीच इंक्लूडिंग जीरो यदि हम कोई भी नंबर ले लेते हैं तो भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो जीरो आता है। इसी तरीके से कोई भी मान लीजिए 2, 3 मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है वो 2 आया, इसका मतलब एक्स कहाँ होगा, मतलब फाइंड एक्स। क्वेश्चन है इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं किसके किसके बीच में होगी, एक्स 2 से 3 के बीच का नंबर है, क्लियर है, तभी हो सकता है ऐसा, नॉट इंक्लूडिंग 3। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 2 कब होगा, जब एक्स 2 के बराबर या तो 2 से 3 के बीच का कोई नंबर हो, लाइक 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। तो ये चीजें जो है वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली जो है वो अभी जो अभी हमने पढ़ा है ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में उसको समझ के ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि मान लीजिए निगेटिव में दिया हुआ है, कि क्योंकि ये तो पॉजिटिव इंटीजर की बात हो गई, मान लीजिए इस तरीके से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लाइक 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन मान लीजिए यदि इस तरीके से दिया हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो, है ना, तो फिर क्या होगा। तो यदि मैं कहूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -3 है, ओके, इसका साफ साफ मतलब ये निकलता है दैट सिंपली इंप्लाइज दैट एक्स जो होगा वो क्या होगा, -3 से लेके -2 के बीच का नंबर होगा। -3 से -2 के जो बीच के नंबर होंगे हमेशा क्या लिखना है, इसके इसके आगे लिखना है एक, है ना, समझ रहे हैं बात। इधर भी -3 है तो -3 से -2 लिखा है मैंने, क्योंकि इसका मतलब समझिए -3 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होता ही है, लेकिन यदि मैं -2.5 ले लूं जो कि -3 से बड़ा नंबर है और -2 से छोटा नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी -3 होता है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि -3 से -2 के बीच के जो नंबर होंगे उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ है जो है वो -3 के बराबर होगा। अब कुछ एक दो प्रॉब्लम जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे कर सकते हैं हम लोग, तो वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर -5 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स +6 इक्वल टू 0। आगे लिखा हुआ है कि ये जो सिंबल है ब्रैकेट में जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to 4, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2, 3 क्लोज इंटरवल, है ना, सेमी ओपन सेमी क्लोज बोलते हैं इसको, है ना। तो इस तरीके से एक्स बिलोंग्स टू 2 to 3 क्लोज इंटरवल, एक्स बिलोंग्स टू सेमी क्लोज सेमी ओपन 2 to 4, है ना, इस तरीके से हमें दिया हुआ है। इसका मतलब आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है 3 और 4 के बीच में जितने भी नंबर हैं इंक्लूडिंग 3 और 4 वो सब x की वैल्यूज हैं, है ना। इसमें x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, सारे नंबर 3 इंक्लूडेड बट 2 नॉट इंक्लूडेड, इस तरीके का मतलब होता है ना। ये हम पहले भी इंटरवल मेथड्स पढ़ चुके हैं जब हम सेट थ्योरी कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें इसको इस इक्वेशन है एक तरीके से समझ लीजिए उसको सॉल्व करना है और वहां से x की वैल्यूज निकालनी है। तो पहली बात तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर -5 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स +6 इक्वल टू 0। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को आप ये कुछ देर के लिए टी लेट कर लीजिए, दैट मींस लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू टी। यदि आप देखिए ध्यान से तो इसकी जगह पे मैं टी लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर -5t+6 इक्वल टू 0। ऐसा टी में ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, 2-degree इक्वेशन, और ये क्लास 9-10 में हम लोग सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11th में भी हम पढ़ेंगे और एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट यहाँ पे ये जो चीजें हैं इक्वेशन सॉल्व करना वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसका मतलब हो जाता है कि इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर, और ये 5t को ऐसे लिखना है जिससे कि उनका जो सम है वो तो -5t हो जाए और उनका मल्टीप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए -3t -2t+6=0 लिखा तो -3 into -2+6 हो जाता है और इनका सम करने से -5t भी आ जाएगा,
इसको लिखेंगे तो t इंटू टी माइनस थ्री माइनस टू इंटू टी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास t माइनस थ्री इंटू टी माइनस टू इक्वल टू जीरो। और यहां से हमारे पास t की दो वैल्यू आएंगी, t इक्वल टू टू कॉमा थ्री, है ना। t क्या क्या निकल गया, टू एंड थ्री, दो वैल्यू आई, बट t की वैल्यू टू कॉमा थ्री है। हमें तो निकालना क्या है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो लेकिन हम देखें यहाँ पे ध्यान से, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू t हमने पहले लेट किया था, तभी इसमें ये t में चेंज हुआ था। तो इसका मतलब है कि दो पॉसिबिलिटी है, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x या तो 2 होगा या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 होगा, जो कि हमारे पास समझ में आ रहा है। t किसको लेट किया था, इसको, तो t की जगह हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x पुट कर दिया। इसका मतलब अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यदि 2 के बराबर है, तो इसका मतलब होता है x जो है वो आपका 2 से लेके क्या है 3 के बीच का नंबर है, क्लियर। और इसको सॉल्व करते हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए, इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 कब होता है, जब x में या तो 2 पुट किया गया होगा या तो 2 से 3 के बीच का कोई नंबर पुट किया गया होगा, जैसे 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2 होता है। तो ये चीज हमें इसलिए मैं लिख रहा हूं, बट लेकिन 3 से जस्ट पहले तक, लाइक 2.9999 तक का जो नंबर होगा उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यदि 3 है, तो इसका मतलब होता है कि x जो है वो 3 और 4 से जस्ट पिछले पहले तक का नंबर है, क्लियर। 4 नहीं हो सकता, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से 4 हो जाएगा। तो ये चीज हमें समझ में आती है। अब ये जो दोनों ही x की पॉसिबिलिटी है, वो दोनों ही केसेज में ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, ये क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 होगा तो भी ये सेटिस्फाई होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 होगा तो भी ये सेटिस्फाई होगा। तो x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है या तो 3 से 4 के बीच में, इसका मतलब होता है कि x जो बिलोंग करेगा वो किसको बिलोंग करेगा, 2 से 3 को कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं 2, 3 इस तरीके से, है ना, 2 पे क्लोज्ड 3 पे ओपन यूनियन, इसको भी लिखेंगे। और मतलब होता है या तो ये हो, ये तो या तो ये हो, तो इसका मतलब इन दोनों को यूनियन कर लेते हैं 3 से 4 के बीच में। तो 3 जो है उसको हम क्या करेंगे, क्लोज्ड में रखेंगे और 4 को ओपन में रखेंगे। और यहां से साफ साफ मतलब निकल जाता है कि x जो है वो, क्योंकि 3 इसमें नहीं है लेकिन यहाँ पे क्लोज इंटरवल में है, इसलिए 2 से लेके 4 तक के नंबर होंगे, बट 4 ओपन में होगा, ठीक है ना। 2 से लेके 4 तक का वैल्यू एक्स का हो सकता है, जहां पे 2 भी हो सकता है बट 4 से पहले तक उसके बीच का कोई भी नंबर। तो ऑप्शंस देखेंगे यदि ध्यान से, तो 2 से 4 जो ऑप्शन है वो हमें मिलेगा कहां पे, डी ऑप्शन में, सो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ये एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इस तरीके का प्रॉब्लम जो है वो आप कैसे सॉल्व करते हैं वो आप समझिए, और साथ ही साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में जो इक्वेशन गिवन होते हैं उनको कैसे एक्स की वैल्यू वहां से निकालनी है वो भी हम यहां पे समझ में आ रहा है हमें। नेक्स्ट जो है फंक्शन के अंदर वो हमें समझना होगा कि हम दो फंक्शंस को मिक्स करके फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दो नंबर को ऐड कर सकते हो आप, दो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, दो नंबर को सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, जिससे कि हमें एक नंबर ही मिलता है। उसी तरीके से दो अलग अलग फंक्शंस को यदि हम ऐड कर दें तो हम एक नया फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, दो नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दें तो भी एक नया नंबर नया फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, है ना। तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन की जहां तक बात है, तो सबसे पहला जो अलजेब्रा होता है फंक्शन में, दैट इज कॉल्ड एडिशन। तो देखिए मान लीजिए दो फंक्शन है, सपोज एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू फंक्शंस सच दैट df is the domain of f and dg is domain of g। मतलब क्या हुआ इसका कि दो फंक्शन है, f फंक्शन है और दूसरा फंक्शन g है, और इस तरीके से है जिसमें f में जो इनपुट हो सकता है उसका सेट हमें दिया हुआ है df, है ना, उसका नाम दे रहा हूं df। अब वो तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा या आपको निकालना होगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एफ फंक्शन का डोमेन क्या है, डीएफ है,
और जी फंक्शन जो है डोमेन मीन्स जो वैल्यू उसमें इनपुट कर सकते हैं, और एफ जो जी जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या है डी जी, ऐसे लिख लिया मैंने सिंबल की तरह है ठीक। देन एडिशन जो इस फंक्शन का होगा एच ऑफ एक्स, वो हम इस तरीके से यदि निकाले एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इसको हम क्या कहते हैं एडिशन ऑफ दिस टू फंक्शन है ना, एंड डोमेन ऑफ एच ऑफ एक्स जो फंक्शन होगा, क्योंकि दो फंक्शन को ऐड करते हैं तो भी एक फंक्शन ही मिलने वाला है, समझ रहे हैं बात। ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसे दो नंबर को ऐड करते हैं तो एक नंबर मिलता है, उसी तरीके से दो फंक्शन लाइक एक्स है और दूसरा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर भी एक क्या होगा फंक्शन हो जाएगा ठीक। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ एच ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी से फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो मैं बताऊंगा, अभी के लिए तो ये थ्योरी पार्ट लिख लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, मान लीजिए फंक्शन है एफ जो कि है एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, और इसमें एक्स की कोई भी रियल नंबर पुट हो सकती है, मतलब डोमेन ऑफ एफ कितना है इसका ऑल द रियल नंबर है क्लियर। दूसरा फंक्शन ले रहा हूं मैं जी ऑफ एक्स जो कि है वन बाय एक्स क्लियर, जहां पे एक्स जीरो नहीं होता है हमें पता है, ऐसा मतलब डोमेन ऑफ जी यदि मैं पूछूं तो कितना होगा ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि वन बाय एक्स में जीरो नहीं पुट हो सकता। तो दो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स और जी एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स, यदि हम इन दोनों फंक्शन को ऐड कर दें तो एक नया फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। जैसे देखिए यहां पे एच एक्स, यदि मान लीजिए मैं कहता हूं कि एफ प्लस जी है, तो यहां पे एफ एक्स कितना है एक्स और जी एक्स कितना है वो है वन बाय एक्स, तो ये एच एक्स फंक्शन जो हो गया वो कितना हो गया एक्स प्लस वन बाय एक्स हो गया। अब इसका डोमेन एच एच फंक्शन का जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ एच एक्स फंक्शन, उसको यदि मैं डी एक्स से डिनोट करूं वो कितना होगा, वो होगा डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। मतलब ऐसा एक्स का वैल्यू जो इसमें भी जा सकता हो और इसमें भी जा सकता हो, क्योंकि अब जो एच एक्स फंक्शन है उसमें हम वही वैल्यू पुट करेंगे जो दोनों में एक साथ पुट होगा, इसमें भी पुट होगा इसमें भी पुट होगा, तो इसलिए हम कॉमन निकाल लेते हैं कि जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो, दोनों के का इनपुट हो सकता है वही जो एक्स की वैल्यू होगी वो इस पूरे फंक्शन का डोमेन होगा। तो आप ध्यान से देखिए कि डोमेन ऑफ एफ तो ऑल द रियल नंबर था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स में कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते थे, बट जो डोमेन ऑफ जी में जीरो नहीं पुट कर सकते थे, मतलब आर माइनस जीरो था इसका डोमेन है ना, क्लियर, और इसका आर था, तो अब इसमें तो जीरो एक्स्ट्रा ही है इसके अंदर है ना, मतलब रियल नंबर तो सारा है और ये है रियल नंबर माइनस जीरो, तो आर माइनस जीरो पूरा का पूरा आर के अंदर है, मतलब आर माइनस जीरो इज ए सबसेट ऑफ आर, तो इससे क्या आ जाएगा आर माइनस जीरो आ जाएगा आंसर में ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो गया आर माइनस जीरो हो गया, और वैसे भी आप समझिए इसमें इस पूरे फंक्शन में एच ऑफ जीरो जब आप निकालने के लिए जाओगे तो आएगा जीरो प्लस वन बाय जीरो, और वन बाय जीरो अनडिफाइंड होने के चलते ये पूरा का पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा ठीक है ना, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता। तो एक बात तो हम समझ में आ जाती है कि जीरो इस पूरे फंक्शन में जब हम एडिशन करें तब भी नहीं पुट हो सकता था, इंडिविजुअली इसमें रियल नंबर इसमें आर माइनस जीरो पुट हो सकता था, लेकिन जब हम इसको ऐड करें तो वही कॉमन वैल्यू जो दोनों में इनपुट हो सकती है वही इस पूरे फंक्शन का डोमेन होगा, और यही पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो प्लस एडिशन में भी सब्सट्रैक्शन में भी मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन में भी चलता है। तो एक बार को मैं यहाँ पे आपको बताता हूं कि जैसे सब्सट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, सब्सट्रैक्शन अब सपोज एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन सच दैट, सेम बात है यहाँ पे माइनस यदि होगा ना तो डोमेन ऑफ एच एक्स तब भी डी ऑफ एफ इंटरसेक्शन डी ऑफ जी से ही निकाला जाएगा, मतलब आप दूसरा पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे कि सब्ट्रैक्शन के अंदर भी सेम बात है। अब होता क्या है कि यहाँ पे तो मैं दो के लिए बता रहा हूं, बट दिस इज ट्रू फॉर एनी नंबर ऑफ फंक्शन, मान लीजिए तीन फंक्शन है ना एफ जी और के, तो यदि मैं एच फंक्शन लिख रहा हूं एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस के एक्स, या माइनस कहीं पे लगा दिया कहीं प्लस लगा दिया,
तो डोमेन ऑफ एच जो होगा तब भी कैसे निकलेगा, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ के, दो के लिए पढ़ रहे हैं, बट नंबर ऑफ एनी फंक्शन, क्योंकि आप समझिए ये दोनों फंक्शन को जब हम ऐड करेंगे तो ये एक नया फंक्शन क्रिएट हो जाएगा जिसको हम सिंगल फंक्शन कहेंगे, तो उस तरीके से समझ सकते हैं हम, क्योंकि एडिशन ऑफ टू फंक्शन इज ऑल्सो ए फंक्शन। तो यदि हम इस दोनों फंक्शन को एक कह लें, ठीक है ना, तो ये एक फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, तो हमेशा तो दो की ही बात और होती है। नंबर में भी जब हम 2 प्लस 3 प्लस 5 करते हैं तो 2 प्लस 3 पहले निकाल लिया तो वो भी एक नंबर बन गया और दूसरे तीसरे नंबर के साथ ऐड हो गया, तो यही 3 4 5 10 नंबर को भी ऐड करोगे तो वो दो दो होता तो है, वो दो दो के साथ ही ऐड पहले, फिर वो पूरा एक नंबर बन जाता है। तो उसी तरीके से ये सब्सट्रैक्शन हो या एडिशन हो, दोनों में ही यही कंडीशन है कि यदि तीन होंगे तो तीनों का इंटरसेक्शन, दो होंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे x माइनस एच एक्स यदि एफ ये है तब भी आंसर जो है वो इसी तरीके से आएगा जो कि r माइनस जीरो ही होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से देखिए जीरो माइनस वन बाय जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा और इसीलिए सेम ही तरीका है। तो ये दो तरीके हो गए आपका। मल्टीप्लीकेशन में भी सेम बात है, बार बार लिखूंगा नहीं। तो तीसरा जो है उसको हम कहते हैं अलजेब्रा को, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस। तो दो फंक्शन है यहाँ पे, एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखते हैं इसको हम, है ना, सिंबॉलिक फॉर्म में। मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि किस तरीके से और भी रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर डोमेन कितना होता है, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी से ही निकलेगा। दैट मींस यदि ये फंक्शन, दो फंक्शन है एक्स इंटू जी एक्स, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वन बाई एक्स, दैट इज एक्स बाई एक्स। क्लियर? अब आप समझिए फंक्शन इसमें एफ एक्स इंटू जी एक्स मतलब हमारा जो एच एक्स फंक्शन है वो कितना आ गया, एक्स बाई एक्स, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स, जो है एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो नहीं हो सकता डिनोमिनेटर में, है ना। तो इसका डोमेन अभी भी आर माइनस जीरो ही रहने वाला है, इसको आप वन नहीं कहेंगे। वन में लाइक दो फंक्शन मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे देखिए यहाँ पे एक फंक्शन है एच एफ एक्स इक्वल टू वन, है ना, ये समझिए, और दूसरा फंक्शन है एच ऑफ एक्स इक्वल टू के ऑफ एक्स लिख लेता हूँ, इक्वल टू एक्स बाय एक्स। इस फंक्शन का यदि डोमेन आपको, आपसे मैं पूछूं तो आप कहोगे कि डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर होगा, क्या होगा, ऑल द रियल नंबर, क्योंकि इसमें एक्स की जगह पे कोई भी नंबर पुट करें वन ही आएगा, मतलब ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है। बट क्या ये कॉन्स्टेंट फंक्शन जैसा है, मतलब ऑलवेज वन आएगा, नहीं आएगा। यदि मैं इसके अंदर जीरो पुट कर दूं तो ये आ जाएगा जीरो बाय जीरो, एंड जीरो बाय जीरो इज अनडिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो होता नहीं है। तो ये हो गया क्या, अनडिफाइंड, मतलब नॉट रियल नंबर। तो ये इसका मतलब एक्स जीरो नहीं होगा तब ये वन देगा, ठीक। तो इस बात को हमें समझना होगा कि ये जो फंक्शन है के ऑफ एक्स, ये ठीक है वन लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इसलिए मल्टीप्लीकेशन भी जब दो फंक्शन का होता है तो हम दोनों फंक्शन जो भी एफ है और जी है उसका अलग अलग डोमेन फाइंड आउट करते हैं, अभी बताऊंगा आगे डोमेन कैसे निकालते हैं, और फिर दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो निकाल लेते हैं, वो पूरे मल्टीप्लीकेशन वाले फंक्शन का डोमेन हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज फोर्थ नंबर, दैट इज कॉल्ड डिविजन और दैट क्वेशियंट, डिविजन ऑफ टू फंक्शन और क्वेशियंट ऑफ टू फंक्शन। So, इसको कहते हैं हम लोग, सपोज एफ एंड जी आर टू फंक्शन सच दैट डी ऑफ एफ इज द डोमेन ऑफ एफ, डी ऑफ जी इज द डोमेन ऑफ जी, देन एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, क्लियर, एफ बाई जी एफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, इस तरीके का फंक्शन होता है। और इस फंक्शन का जो डोमेन है उसकी यदि हम बात करेंगे एफ एक्स अपॉन जी एक्स फंक्शन में, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, जी ऑफ एक्स शुड नॉट इक्वल टू जीरो, क्लियर। बट हम निकालेंगे क्या, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी ही निकालेंगे इस केस में भी। डोमेन ऑफ एच ऑफ एक्स कितना होता है इसमें भी, होता है डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। मैं निकालना आपको आगे बताऊंगा कि कैसे हम डोमेन निकालते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, अभी पहले थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं। तो डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी निकाल लेंगे, क्लियर। इसमें से माइनस कर देंगे कौन सा एक्स का वैल्यूज,
जहां पे g ऑफ x क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, मतलब g ऑफ x जीरो नहीं होना चाहिए ना। यदि मैं जो भी इसका और इसका डोमेन था उसका इंटरसेक्शन निकाल लिया, माइनस दो वैल्यूज ऑफ x, g ऑफ x इक्वल टू जीरो। जैसे कि मैं एक बार को बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है h ऑफ x एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो यहां पे ये जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो फॉर एच एक्स टू बी रियल, एच एक्स टू बी रियल, पहले तो मैं देख लूंगा कि ये जीरो कहां नहीं है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स शुड नॉट इक्वल टू जीरो। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले इसी तरीके का इक्वेशन आया था, तो उसका रूट्स ये टू और थ्री होता है, और यहां से हमारे पास आएगा एक्स शुड नॉट इक्वल टू टू एंड थ्री। एक्स टू और थ्री नहीं होना चाहिए, मतलब जी ऑफ एक्स इसको यदि हम कहें तो वो जीरो कहाँ हो रहा है, टू एंड थ्री पे हो रहा है। एक्स शुड नॉट इक्वल टू टू कॉमा थ्री। अब यदि मैं इसमें इस पूरे फंक्शन को एफ और इसको जी कहूं, है ना, तो एफ का डोमेन क्या है, एफ का डोमेन है आपका ऑल द रियल नंबर, पॉलिनोमियल फंक्शन है। जी का डोमेन क्या है, ऑल द रियल नंबर। तो इस फॉर्मूले से मैं क्या बोल रहा हूं, इस पूरे फंक्शन का डोमेन निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, दैट इज डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, लिख लेता हूं, माइनस दोज वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर जी ऑफ एक्स इज जीरो। ऐसे तो डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, रियल नंबर इंटरसेक्शन रियल नंबर इज रियल नंबर, माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो कहां हुआ है, जी ऑफ एक्स ये है, तो जी ऑफ एक्स जीरो होता कहां, टू एंड थ्री पे। नॉट इक्वल टू जीरो है वो मैंने सॉल्व किया, लेकिन यदि इक्वल टू जीरो लिख लू तो वहां से x की वैल्यू टू एंड थ्री आएगी। तो r में से क्या माइनस कर देना है, जहां पे g ऑफ x जीरो हुआ है, दैट इज टू कॉमा थ्री माइनस कर देना है। सो r में से रियल नंबर में से दो पॉइंट हटा देंगे यदि, तो बाकी कोई भी नंबर यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। ये हमें समझ में आ गया है। और वैसे भी समझिए, ये जीरो जहां नहीं होगा वही तो इस फंक्शन का डोमेन होगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो कहां पे जीरो हो रहा है, टू एंड थ्री पे, तो ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट टू कॉमा थ्री। तो इसी तरीके से बात बराबर ये समझ लीजिए आप, एक तरीके से या तो डोमेन एफ और जी का निकाल करते हुए इंटरसेक्शन लेके उसमें से जी ऑफ एक्स जहां जीरो हो रहा है वो पॉइंट सब्सट्रैक्ट कर देना है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि दोनों फंक्शन का डोमेन हमने निकाला, वहां पे जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होगा, वो बात क्लियरली जो है वो समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो अब हम डोमेन निकालने पे प्रॉब्लम कर सकते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा फंक्शन एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो। सिंगल फंक्शन का भी निकाल सकते हैं, लेकिन यदि हमें, क्योंकि इन जनरल जो है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ही बहुत सारे फंक्शन मिलते हैं, तो एक एग्जांपल भी देख लीजिए कि आपको फंक्शन जो है उसको लिखने का तरीका क्या है, लाइक सिंबॉलिक फॉर्म क्या है। सिंबॉलिक फॉर्म दो फंक्शन है एफ और जी, तो एफ प्लस जी एक्स, इसका मतलब होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स, है ना, ये सिंबल है और कुछ नहीं है। मतलब कभी भी लिखा हुआ है कि एफ प्लस जी एक्स फंक्शन, है ना, तो दैट इज एच, इसको समझिए एच एक्स, और ये एडिशन में एफ एक्स प्लस जी एक्स समझिए इसको, है ना। दूसरा इसी का जैसे ये है, तो उसी तरीके से एफ एक्स माइनस जी एक्स को लिखने का तरीका है हमारे पास एफ माइनस जी एक्स, क्लियर। एफ माइनस जी एक सिंबल हो गया, ठीक, जैसे एच एक्स लिखते हैं हम लोग, एफ एक्स इंटू जी एक्स ऐसा है, तो इसको हम लिखते हैं एफ इंटू जी एक्स, तो ये भी सिंबल है, एफ इंटू जी लिखा है यहां पे, है ना, एफ इंटू जी एक्स। यदि हमारे पास ऐसे लिखा हुआ एफ बाय जी एक्स, तो इसका मतलब है एफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। तो ये सारे सिंबल्स हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस के, इसको जस्ट थोरली याद रखना है, ठीक है ना, याद क्या रखना है, देखते ही समझ में आ जाता है कि ये मल्टीप्लिकेशन है, ये सब्सट्रैक्शन, ये एडिशन, ये डिवीजन, है ना।
तो ये दो फंक्शंस के ऊपर जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं उनके बारे में कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यदि मैं लिख लिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, और मुझे एफ प्लस जी निकालना है, एफ एक्स प्लस जी एक्स निकालना है, ठीक। तो ये कैसे निकालेंगे? ये भी एक नया फंक्शन होगा जो कि होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस रूट एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस टू, ना समझ रहे बात? इसको इधर उधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एडिशन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत होता नहीं है उसमें, अलग इधर भी रखें साइड में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक नया फंक्शन क्रिएट हो गया, मतलब ये अलग था ये अलग था, इन दोनों को ऐड करा तो एक नया फंक्शन क्रिएट हो गया। डोमेन कैसे निकालते हैं वो तो मैंने अलग ही बताया ही है। इसका डोमेन जैसे मान लीजिए ऑल द रियल नंबर है, हमें पता है एक्स कैन बी एनी रियल नंबर, और इसका डोमेन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसका डोमेन जब हम निकालेंगे तो इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो जैसे डोमेन ऑफ एफ प्लस जी जो फंक्शन है वो कितना हो जाएगा, ऑल द रियल नंबर इंटरसेक्शन जीरो टू इन्फिनिटी, है ना, जीरो से बड़ा नंबर है ना, तो ये हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी, क्योंकि जीरो टू इन्फिनिटी इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। सो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, जीरो टू इन्फिनिटी इज द आंसर। तो इसमें हम जीरो या उससे बड़ा नंबर ही पुट कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव नंबर यदि हम पुट करें तो रूट एक्स क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इमेजनरी आउटकम आ जाता है जो कि रियल नंबर नहीं होता है। तो इस तरीके के केसेस हैं। तो आप एक बात तो हमें समझ में आ जाती है कि दो फंक्शन को हम ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, और इसका साफ साफ मतलब ये भी निकल जाता है कि जब हम दो को ऐड या सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं तो हम कितने भी लाइक 10 15 कितने भी फंक्शन है उनको ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए एक नया फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि इसका मतलब हो गया कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, ठीक है ना, फंक्शंस के अंदर। जब हम क्लास 12th में जाते हैं तो हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं, वन वन फंक्शन क्या होता है, मेनी वन फंक्शन क्या होता है, इन टू फंक्शन किसको बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि फंक्शंस के जो मतलब इनवर्स फंक्शन पढ़ते हैं हम क्लास 12th के अंदर, फिर बहुत सारी चीजें, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं। तो क्या है ना कि ये सब मिक्स है, ये जो फंक्शन टॉपिक है वो बहुत मिक्स है, क्लास 11th में भी है क्लास 12th के अंदर भी है। तो अभी के लिए जो है ना वो हम जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे, लेकिन इसको ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल फिर से भूल जाएंगे, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि बार बार रिवाइज करते रहेंगे, जिससे कि ये हमेशा आगे भी काम में आता है। अभी तो फंक्शन का डोमेन और रेंज हमें सीखना है इस क्लास में, उसके बाद जो वन वन ऑन टू जो टाइप ऑफ फंक्शन हैं, इनवर्स फंक्शन निकालना है, कंपोजिट फंक्शन पढ़ना है, वो सब क्लास 12th में आता है। तो अभी जो है ना वो हम वो सब जब सीख लेंगे डोमेन और रेंज निकालना, तो हम देखेंगे कि बहुत सारे बाकी जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो सब आसान हो जाता है, ठीक। तो मेन जो बेसिक है वो क्लास 11th के अंदर चीज़ें गिवन है, तो वो हम को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना होगा, नहीं समझ में आने से हमें पूछना भी होगा। ऐसा नहीं है कि हमें चुप रहना है, हमें विदाउट एनी हेजिटेशन टीचर से कॉन्टेक्ट में रहना है, टीचर को पूछना है, तभी हमारा जो है डाउट वो क्लियर होगा। नेक्स्ट जो है वो हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी फंक्शन का हम डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो दो चीजें हम बिल्कुल हमेशा याद रखेंगे, एक तो कोई भी फंक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे हम लिखते हैं ना उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, दैट शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता किसी भी एक्स की वैल्यूज के लिए, है ना, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाई जीरो इज अनडिफाइंड नंबर, है ना, उसका नंबर लाइन में कोई जो है वो जगह नहीं होता है, ठीक है, वो रियल नंबर है ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें जब भी हम डोमेन निकालें तो हम ये ध्यान में रखें कि डिनोमिनेटर शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो, और दूसरी बात एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट लाइक स्क्वायर रूट फोर्थ रूट के अंदर यदि कोई एक्सप्रेशन है दैट शुड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो दो चीजें ध्यान में रखिए कि पहला डिनोमिनेटर डोमेन निकालने का जो मेथड्स है उसके अंदर आप मेथड्स टू फाइंड डोमेन उसमें दो बातें हमेशा ध्यान रखेंगे, दैट इज डिनोमिनेटर शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर शुड नेवर
equal to 0. And the another thing we must remember, that is expression under even root, expression under even root always greater than or equal to 0, greater than or equal to 0. Remember this thing. अब इस फंक्शन का डोमेन निकालना है. डोमेन का मतलब होता है इसमें एक्स की कौन कौन सी वैल्यू हम इनपुट कर सकते हैं वो फाइंड आउट करना है. ठीक, डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट. इसमें एक्स का क्या क्या वैल्यूज हम इनपुट कर सकते हैं. तो यदि मैं इंडिविजुअली सोचूं तो ये एक डिवीजन है दो फंक्शन का, है ना. ऊपर क्यूबिक फंक्शन है, नीचे टू डिग्री का फंक्शन है, दोनों ही पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, रेशनल फंक्शन है. ठीक, तो रेशनल फंक्शन जब भी हो, लाइक पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल हो, तो ज्यादा जो है वो दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ऊपर तो पॉलिनोमियल ही है, ऊपर में तो कोई भी रियल नंबर पुट हो सकता है. प्रॉब्लम कहाँ है, नीचे वाले में. लाइक इसके अंदर ऐसा कोई वैल्यू हम एक्स का नहीं पुट कर सकते जिससे कि ये जीरो हो जाए. ठीक है, तो हम ये पता करना चाहते हैं कि ये जीरो कब नहीं होगा, या हम ऐसा समझिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो जिस वैल्यू पे भी होगा वो वैल्यू हम रियल नंबर में से हटा देंगे, क्योंकि ऊपर भी रियल नंबर पुट होगा, नीचे भी रियल नंबर पुट होगा, लेकिन सारा का सारा रियल नंबर नहीं पुट हो सकता नीचे, क्योंकि कुछ ऐसे नंबर यदि हैं जिससे के लिए डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो उसको रियल नंबर में से हटा देना है. ठीक है, तो इस तरीके से डोमेन निकालते हैं. तो आप इस चीज को समझिए कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन कैसा होगा. तो हम लिखेंगे फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी रियल, मतलब आउटकम जो है वाई की जो वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स मतलब वाई, वाई टू बी रियल, आउटकम रियल आने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन शुड नॉट इक्वल टू जीरो. डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इक्वल जीरो के नहीं होना चाहिए. तो हम यहां से समझ सकते हैं इसका मतलब हुआ कि एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन कितना होता है, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन शुड नॉट इक्वल टू जीरो. और इसका मतलब हुआ कि एक्स का वैल्यू माइनस वन इसमें पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा. मतलब एक्स क्या नहीं होना चाहिए, माइनस वन एंड वन नहीं होना चाहिए. एक्स का वैल्यू वन होने से भी ये जीरो हो जाएगा, एक्स का वैल्यू ये जीरो हो जाएगा. तो एक्स शुड नॉट इक्वल टू माइनस वन एंड वन. इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स या डोमेन ऑफ एफ इज नथिंग बट ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन कॉमा वन. ये दो नंबर हटा दें, क्योंकि माइनस वन पुट करने से या तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस वन पुट करने से जीरो होगा. बाकी कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हैं इसके अंदर, दैट इज इसका जो इनपुट है वो वन, इन दो नंबर के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है. तो इस तरीके से हम इस फंक्शन का डोमेन निकाल लेते हैं. तो क्या ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और दूसरा स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स रूट, इसके अंदर यदि कोई एक्सप्रेशन है तो दैट शुड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कुछ और फंक्शंस का डोमेन हम निकालते हैं, जैसे कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स है, तो इसका डोमेन क्या होगा, मतलब इसमें इनपुट क्या क्या वैल्यू कर सकते हैं. देखिए वैसे तो फंक्शंस के अंदर डोमेन और यदि कोडोमेन या रेंज आपको दिया हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है. जैसे मान लीजिए एफ ए टू बी और ए सेट और बी सेट दोनों ही क्वेश्चन में दे रखा है, तब इसका मतलब डोमेन भी दे रखा है, कोडोमेन भी दे रखा है. यदि क्वेश्चन में डोमेन नहीं दे रखा है, लाइक एफ ए टू बी नहीं लिखा हुआ है, सिंपली एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स लिख दिया और कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब होता है कि डोमेन आपको खुद निकालना है जो उसका डोमेन हो सकता है पॉसिबल, और जो को डोमेन है वो रियल नंबर होगा. ठीक, और रेंज तो हम निकालते हैं. तो यदि को डोमेन नहीं दिया हुआ है तो ऑलवेज इट इज रियल नंबर, है ना. इफ को डोमेन इज नॉट गिवन इन प्रॉब्लम, इफ को डोमेन इज नॉट गिवन in problem, then we take it as all the real number. क्वेश्चन में डोमेन यदि नहीं दिया रहे तो क्या करना होता है, उसका डोमेन निकालना होता है. मान लीजिए यहां पे इस फंक्शन का डोमेन नहीं दिया हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है कि इस फंक्शन है ऐसा, और आगे क्वेश्चन है इसके ऊपर, जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे. तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, जैसे आप ये समझिए ये एक्स है, मान लीजिए ये जी फंक्शन है और ये है एच, है ना. तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही तो है, एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स हुआ ये. तो यदि मैं जी ऑफ एक्स हमारा कितना है, एक्स है, और एच ऑफ एक्स कितना है, मॉडुलस ऑफ एक्स है, तो इस फंक्शन का डोमेन कितना होगा. जी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल द रियल नंबर. एच फंक्शन का डोमेन लाइक
ये जो फंक्शन है हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स, इस फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल द रियल नंबर। पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया बताया था कि ये दो स्पेशल फंक्शन है, जैसे ये इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, इसमें कोई भी एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे तो आउटकम आएगा। मॉडुलस भी ऐसा ही होता है, उसमें टू पुट करने से भी आउटकम आता है, माइनस टू और कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो आउटकम अकॉर्डिंगली मिलता है मुझे। तो इन दोनों का हमें पता है कि डोमेन क्या है, रियल नंबर है। तो डोमेन ऑफ एफ जो होता है वो होता है डोमेन ऑफ जी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एक्स, एंड दैट इज रियल नंबर इंटरसेक्शन रियल नंबर, एंड दैट इज रियल नंबर। ओके, तो इस फंक्शन का मतलब डोमेन जो है ना, ये नहीं कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब हम निकालेंगे और तब बताएंगे कि इसका डोमेन ऑल द रियल नंबर है। और को डोमेन भी नहीं दिया हुआ था यहाँ पे, तो वो भी ऑल द रियल नंबर है। रेंज जो है वो हम अभी निकालना सीखेंगे आगे, ठीक। को डोमेन की बात कर रहा हूँ, को डोमेन नहीं दिया हुआ हो क्वेश्चन में तो ऑल द रियल नंबर होता है। ये क्वेश्चन करते हैं, यदि यहाँ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसका मतलब डोमेन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो डोमेन कैसे निकालते हैं, वैसे तो ये कोई प्रॉब्लम ही है कि फाइंड द डोमेन, बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि यदि क्वेश्चन आगे भी कुछ इसके अलावा है कि लेट दिस फंक्शन इज दिस एंड आफ्टर, आगे हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन में आपको समझिए कि इसका डोमेन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ये जो एफ फंक्शन है वो क्या है, जी एक्स अपॉन एच एक्स, इस टाइप का जी बाई एच टाइप का फंक्शन है। हमने बताया था कि फंक्शन को एफ जी एच कैसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये पॉलिनोमियल है, 3x इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, नीचे भी 1 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो ये एक रेशनल फंक्शन है, और इसका जैसे जी एक्स में लिख लेता हूं वो कितना है 3x, एच एक्स कितना है 2x माइनस 8। यदि मैं डोमेन ऑफ जी पूछूं तो ऑल द रियल नंबर, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन हैविंग द डोमेन रियल नंबर। डोमेन ऑफ एच कितना है, तो वो है रियल नंबर, लेकिन ये डिनोमिनेटर में होना है, इसीलिए क्या होना चाहिए कि 2x माइनस 8 शुड नॉट इक्वल टू 0, एंड दैट मींस ये 2x शुड नॉट इक्वल टू 4, एंड दैट मींस x शुड नॉट इक्वल टू 2, 4 बाई 2 है ना, तो x 2 नहीं होना चाहिए। तो सॉरी 2x माइनस 8 शुड नॉट इक्वल टू 0, दैट सिंपली इंप्लाइज दैट 2x शुड नॉट इक्वल टू 8, and that simply implies that x should not equal to 4. x क्या होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब डोमेन ऑफ f जो होगा वो ऑल द रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 4 को छोड़ के बाकी सारे के सारे रियल नंबर इसमें हम पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, और ये वाला प्रॉब्लम, ये फंक्शन दिया हुआ है fx equal to root under x, तो मतलब इसका डोमेन r minus 4 है, को डोमेन नहीं दिया हुआ है तो वो रियल नंबर है। तो f इज ए फंक्शन फ्रॉम r minus 4 टू आर, ऐसे लिख सकते हैं हम कोडोमेन के लिए। अब ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका डोमेन पूछा हुआ है, तो फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी रियल, यहाँ पे देखिए ये सेकंड वाला जो प्रॉपर्टी बताया था, इवन रूट के अंदर यदि लाइक स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको, है ना, एक्स माइनस वन का पावर 1/2 है ना ये, तो मतलब इवन रूट के अंदर है, तो उस कंडीशन में एक्स माइनस वन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहाँ से हमारे पास आएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू 1 या तो 1 से बड़ा नंबर पुट करोगे तो ही आउटकम रियल आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, 1 टू इन्फिनिटी है। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है, नेक्स्ट में हम क्लास के अंदर और भी चीजें पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।